बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। समारोह आयोजित कर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु छात्रों को दी गई विदाई। सोमवार को मेघराज मेमोरियल बीएड कॉलेज के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु छात्र छात्रा को ऑब्जर्वेशन क्लास के उपरांत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरा में विदाई सह सम्मान का आयोजन किया गया। गीत संगीत के माहौल में प्रशिक्षु छात्र अध्यापक को विदाई दी। जीवन की सफर में फिर मुलाकात के बाद और पढ़ाई और पढ़ने के साथ हंसी ठिठोली की सुनहरी और खट्टी मीठी यादों को समेटे छात्रों ने एक दूसरे को विदा कहा। विद्यालय के शिक्षकों से वादा किया कि यहाँ जो अनुभव उसने लिया, जो सीखा सिखाया, इसका लाभ शिक्षक बनकर इसी प्रकार अपने छात्र छात्राओं को देंगे, जो खुद एक शिक्षक बनकर एक विद्यालय में पाया। लेकिन विदाई की इस बेला में प्रशिक्षु छात्र शिक्षकों की आंखें नम्र थी, लेकिन उत्साह और उल्लास और एक उम्मीद भी थी। विद्यालय की शिक्षकों को उम्मीद इस बात की थी कि ये प्रशिक्षु शिक्षक यहाँ से लौटकर शिक्षा का अलख जगाएंगे, और इस बात से आशान्वित की प्रशिक्षण पूरी कर अब वे शिक्षक पात्रता रखते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार सहनी ने की। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य आशीष कुमार की उपस्थिति में छात्र अध्यापकों द्वारा अंग वस्त्र और उपहार देकर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कॉलेज के प्राचार्य आशीष कुमार ने अपने संबोधन में प्रशिक्षकों के सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए कहा कि हमने अपने अंदर एक जुनून को बरकरार रखना चाहिए। वह हर काम को अच्छी तरह करने की जिद में होनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन में सफलता की सीढ़ी है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार सानी ने कहा कि छात्र छात्राओं की विदाई कभी नहीं होती, गुरु का दिया हुआ शिक्षा जीवन भर रहता है। प्रशिक्षकों को विदाई करते हुए उन्हें कुशल शिक्षक बनने की इच्छा व्यक्त किए एवं उज्जवल भविष्य की कामना किए। मौके पर विद्यालय के शिक्षक रवि कुमार, प्रभात कुमार, शिक्षिका मेनका कुमारी आदि ने संबोधित किया। प्रशिक्षु छात्र अध्यापकों में राहुल कुमार, हर्ष कुमार, सोनू कुमार, अंकिता कुमारी, श्रद्धा कुमारी, मनीषा कुमारी, अनामिका कुमारी, पुष्पा कुमारी, साधना कुमारी के अलावे शिक्षक शशि साकेत कुमार और धर्मवीर कुमार भी मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर।